अस्सलाम वालेकुम जान, आप कैसे हो? आप सभी होप सो गाइस यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है हजरत बीवी मरियम का वाक्य। तो इनका वाक्य सुनेंगे हम कि क्या है इनकी वाक्य, क्योंकि हमें बहुत रिक्वेस्ट आती है कि इनके वाक्य सुनाकर उनकी कहानी सुनना है एक बार, तो सुनते हैं। मैं नाम तो सुना है मरियम का, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है मरियम। अच्छा वो है, हाँ ईसा की मदर का कोई वाक्य है ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो हमने वो एक ही वाक्य सुना था। वो हमने सुना था कि हजरत ईसा का बर्थ कैसे हुआ, उन्हीं में नाम सुना है इनका ना। बीबी मरियम को पूरा नहीं पता हमें वाक्य क्या है, तो इसको सुनते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ऐ कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो कयामत तक पाक दामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने जमाने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हजरत बीबी मरियम अलैहिस सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हजरत इमरान हजरत सुलेमान अलैहिस सलाम की औलाद में से थे और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस सलाम की औलादों में से थीं। हजरत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हजरत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो ना शादी करता था ना दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हजरत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी जबान में मरियम के माने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। हजरत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफात पा गए, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुकद्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी किफालत में ले लें। जब हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस में लाई गईं तो मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिनसे वो तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दें, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की किफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में दे दिया गया। हजरत ज़िकरिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई ना कर सकता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुईं तो बैतुल मुकद्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हजरत ज़िकरिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन दे जाता है, तो हजरत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है,
और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ऐ मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थी। यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुतकी खातून हैं, और लोग आपका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राइल अलैहि सलाम हजरत मरियम के पास तशरीफ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गईं। हजरत जिब्राइल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तर्स इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्जदादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। हजरत जिब्राइल ने बीबी मरियम के गरीबान में फूंक मार दी जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हजरत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हजरत मरियम हामला हो गई हैं। इस पर बहुत से लोगों ने ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बोहतान लगाने लगे। हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से निकल गईं और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द ज़हर शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मुआजजे से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हजरत मरियम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया। और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तकवियत पहुंचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इसी आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गजबनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे, हालत ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबخت नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। इसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुकद्दस वापस आ गईं। रिवायतों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख वफात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को नहायत ही अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है।
हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ख़बर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की औरत आसिया से होगा। सो गाइस, ये था वाक्य। यस, मतलब बहुत कुछ सहना पड़ा था ना। एक तो ओबियस सा क्वेश्चन था कि बिना मतलब किसी उसके बेबी बच्चा आ जाना तो क्वेश्चंस तो आएंगे और ताने तो मारेंगे सोसाइटी वाले, ऑब्वियसली बात है। और लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब सहा उस चीज को ना, कैसे ना कैसे, क्योंकि उनको पता था कि उनका रब सही है जो भी उनके साथ हो रहा है, क्योंकि वो मौजा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि ऐसे कैसे बच्चे आ गया बिना किसी पति के या बिना, तो ऐसे क्या बच्चा आ गया। तो उनको पता था, उन्होंने वो चीज देखी थी, तो फिर उनको पता था कि मैं जो कर रही हूँ सही है, जो मेरा रब कह रहा सही है। और फिर वो वहां पे बात खत्म हुई, वहां जाकर जब हजरत ईसा ने खुद बात की थी कि हां स्टार्टिंग में बात करी थी ना भाई साहब, वो वाकई उस टाइम लोगों के क्या रिएक्शन होंगे कि भाई एक बच्चा कैसे बोल पड़ा है ना। तो बाकी ये था वाकई, आज पूरी स्टोरी पता लगी। पहले हमने सुना था पर्टिकुलर हजरत ईसा का बर्थ कैसे हुआ, ये नहीं पता कि स्टार्टिंग ऐसे ऐसे करके फिर वो आए, फिर मिस्र में रहे, फिर 13 साल के तब वापिस आए, ये नहीं पता था। पर ये पता था कि वो बोल पड़े थे कुछ है ना ऐसे स्टार्टिंग में, ये बाकी सुने थे थोड़ी देर, वो काफी टाइम पहले, आज से 5-6 महीने पहले। तो बाकी तो यही था, बाकी होप सबको रिएक्शन पसंद आया। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।